सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। निर्मित सबकी तिल सुषमा से तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम। वाह वाह, प्रभु का अनंत वरदान तुम्हें, उपभोग करो प्रतिक्षण नव नव। क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में, यदि बने रह सको तुम मानव। ये सुंदर पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के अन्यतम हस्ताक्षर, छायावाद के अन्यतम स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। विश्व में हम मानव जाति को जीव श्रेष्ठ मानकर अलग अलग कवियों ने अलग अलग भाषाओं में कविता लिखी है। हमारे असम के अन्यतम कवि, साहित्यकार तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी चंद्र कुमार अगरवाला जी ने भी मानव वंदना नामक एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। मैं हूँ आप लोगों के साथ वर्णाली, और फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल वर्णालीस प्रयास में। आज हम चंद्र कुमार अग्रवाला जी के मानव वंदना कविता पर ही चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए। सन 1867 में असम के सोनितपुर जिला के अंतर्गत ब्रह्मजान नामक जगह में जन्म ग्रहण करने वाले चंद्र कुमार अग्रवाला असम के प्रसिद्ध कवि तथा लेखकों में अन्यतम स्थान रखते हैं। हरिविलास अग्रवाला और मलमा के सुयोग्य संतान चंद्र कुमार अग्रवाला प्रतिमार खोनिकर नाम से ख्यात हैं। 25 अगस्त सन 1888 का दिन असमिया भाषा साहित्य के इतिहास के लिए एक स्वर्ण दिवस के रूप में सदा अमर रहने वाला दिन है, क्योंकि इसी दिन कलकत्ता में पढ़ रहे असमिया छात्रों ने असमिया भाषा की उन्नति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर असमिया भाषा की उन्नति साधिनी सभा का गठन किया था। इस महान उद्देश्य में अन्यतम सहयोगी थे चंद्र कुमार अग्रवाला जी। इसी वर्ष सन 1888 में जोनाकी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके प्रथम संपादक के रूप में चंद्र कुमार अग्रवाला ने दायित्वभार संभाला। जोनाकी पत्रिका के प्रकाशन से ही असमिया साहित्य में जोनाकी युग का प्रारंभ माना जाता है, और साथ ही जोनाकी युग से रोमांटिक युग का भी आगमन असमिया साहित्य में माना जाता है। चंद्र कुमार अग्रवाला की पहली कविता बोनकोरी, जो जोनाकी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, असमिया की पहली रोमांटिक कविता मानी जाती है। आधुनिक असमिया साहित्य जगत के लिए जोनाकी पत्रिका द्वारा योगदान देने वाले चंद्र कुमार अग्रवाला, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ और हेमचंद्र गोस्वामी को एक साथ जोनाकी युग के त्रिमूर्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। जोनाकी पत्रिका के अलावा अग्रवाला जी ने असमिया, तीनिदिनिया असमिया, साधिनिया असमिया और बाही जैसे पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। विख्यात प्रतिमा और बीन बरागी इनकी दो अन्यतम काव्य संग्रह हैं। असमिया भाषा साहित्य की अनन्य सेवक चंद्र कुमार अग्रवाला का निधन सन 1938 के 2 मार्च में गुवाहाटी के ओजान बाजार में हुई थी। मानव वंदना इन्हीं की एक उत्कृष्ट असमिया कविता है। यह कविता असम के असमिया तथा हिंदी के अलग अलग लेवल के विद्यार्थियों के कोर्स में तो है ही, साथ ही भारत के साहित्य प्रेमियों को हमारी असम की कविता की जानकारी देना भी मेरे इस वीडियो का उद्देश्य रहा है। तो आशा है मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम कविता चर्चा करने से पूर्व एक बार कविता पाठ कर लेते हैं। आही से मानु, गोई से मानु, मानु माया पे जीव, मानु हुतर अंत नाई किया, बुलिले मरत किय। मानवी जन्म दिया उतवाय, मानवी करम हुते, मानुहर मरम बुझिबा मानुहे, धरम जे मरमते। मानुहे लग मानुहे সঙ্গ, মানুহে পৰাতপর, এই যে পৃথিবী স্বর্গতো অধিক, মানুহৰ নিজাবি ঘর। মানুহে দেব মানুহে সেব, মানুহ বিনে নাই কেব, কৰা কৰা পূজা পাদ্য অর্থলৈ, জয় জয় মানব দেব। ইস কবিতা মে কবি মানব কি মনুষ্য কি জয়গান গা রহে হ্যাঁ।
कविता के पहले पद्य भाग में कवि कहते हैं कि मानव बार बार जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं, मृत्यु तो होती है, पर कवि जन्म मृत्यु की आवागमन प्रक्रिया को देखकर पृथ्वी को पृथ्वी की माया में आवद्ध होकर मरकर भी मनुष्य फिर से इसी धरती पर जन्म ग्रहण करने के कारण मनुष्य को मायावी जीव कहा है। साथ ही कवि ने प्रश्न भी किया है कि आवागमन चक्र होने के बावजूद पृथ्वी को मरत अर्थात मृत्यु भूमि क्यों कहा गया है, अर्थात उनके अनुसार ये पृथ्वी मृत्यु भूमि नहीं हो सकता। दूसरे भाग में कवि कहते हैं मानवी जन्म दिया उठवाए मानवी कर्म होते हैं, अर्थात उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य जन्म हमें मिला है और उसे यूं ही न गवाकर मानव कर्म यानी मानव कल्याण के लिए अर्पण करना चाहिए हर मनुष्य को। मानव कल्याण ही मानव धर्म है, अन्यथा कोई अन्य धर्म नहीं है, और ये धर्म है मानव का एक दूसरे के प्रति प्यार स्नेह सेवा भाव। आगे तीसरे भाग पद्य भाग में कवि कहते हैं मानुहे लोग मानुहे हंग मानुहे परात्पर, अर्थात इस पृथ्वी पर एक मनुष्य अन्य मनुष्यों से अलग जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, संकट में सुख दुख में मनुष्य को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, इसीलिए मानव ही मानव का परम मित्र होता है। कभी मनुष्य ये जो एक दूसरे के प्रति घृणा ईर्ष्या द्वेष शत्रुता आदि भाव रखते हैं इनको त्यागने की ही बात करते रहे। ए जे पृथ्वी स्वर्गतो अधिक मानुहर निजापी घर, अर्थात मानव को अपने अच्छे कर्मों से ही इस पृथ्वी को स्वर्ग से अधिक सुंदर करना है, क्योंकि यह पृथ्वी ही एकमात्र हमारी अपनी स्थिति है, अपना घर है, और वैसे भी किसी ने स्वर्ग या नरक आज तक कहाँ देखा है। अच्छे कर्मों से इसी पृथ्वी को हम मानव स्वर्ग बना सकते हैं और बुरे कर्मों से इसे नरक कर सकते हैं, है कि नहीं। अंत के तथा चतुर्थ पद्य भाग में कवि कहते हैं मानुहे देव मानुहे हैव मानुह बेने नायकेव कड़ा कड़ा पूजा पाड्य अर्धलय जय जय मानवदेव, अर्थात कवि के अनुसार मानव ही नररूपी भगवान है और इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य इन्हीं मनुष्यों की सेवा करना है। इसीलिए कवि मानव द्वारा मानव की ही पूजा अर्थात सेवा करने को कह रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता मानव वंदना में मानव की जयगान कर कवि ने मानव की महत्ता को प्रतिपादित तो किया ही है, साथ ही मानव सेवा को ही मानव का सच्चा धर्म बताया है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल वर्नालिस प्रयास को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।